आगे बढ़ेंगे एक बड़ी अपडेट की ओर। अतीक अशरफ हत्याकांड में आयोग की जांच का आज चौथा दिन है। आज पुलिस कर्मी और मीडिया कर्मियों से पूछताछ होगी और आयोग के 11 सवालों का जवाब देंगे पुलिस के लोग और मीडिया कर्मी। हत्याकांड से जुड़े सवालों के जवाब मांगेगी आयोग की टीम। अस्पताल प्रशासन से भी सवाल जवाब करेगी टीम। चौथा दिन आज आयोग की जांच का। हत्याकांड से जुड़े सवालों के जवाब मांगेगी आयोग की टीम और पुलिस कर्मियों और मीडिया कर्मियों से बात करेगी। अस्पताल प्रशासन से भी सवाल जवाब करेगी। प्रयागराज में आयोग की जो जांच चल रही है उसमें प्रयागराज में रुककर जो जांच हो रही है उसका चौथा दिन। आयोग के 11 सवालों का जवाब देंगे पुलिस और मीडिया कर्मी। हत्याकांड से जुड़े सवालों के जवाब मांगेगी आयोग की टीम और इसके अलावा अस्पताल प्रशासन से भी सवाल जवाब करेगी। और अतीक अशरफ हत्याकांड में पुलिस वालों के लिए जो सवाल तैयार है आइए आपको बताते हैं। पहला सवाल, एम्बुलेंस या प्रिजन वैन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, ये पुलिस से सवाल होगा। दूसरा सवाल, पुलिस कर्मियों से पूछा जा रहा है कि अतीक और अशरफ को कॉल्विन अस्पताल क्यों ले जाया गया था। तीसरा सवाल, जिस जीप से दोनों को ले जाया गया उसे इधर उधर क्यों घुमाया और अस्पताल के अंदर क्यों नहीं लेकर गए। चौथा सवाल, पुलिस को शूटर्स के आने की भनक क्यों नहीं लगी। पांचवा सवाल, मीडिया कर्मियों को अतीक और अशरफ को लाए जाने के बारे में जानकारी कैसे हुई, क्या उन्होंने शूटर्स को पहले देखा था। छठा सवाल, जब फायरिंग होने लगी तो घटनास्थल पर क्या कुछ हुआ। सातवां सवाल, फायरिंग होने पर उन्होंने जवाबी फायरिंग की कोशिश क्यों नहीं की, यह बड़ा सवाल है। सातवां सवाल, आठवां सवाल, अतीक अशरफ को शुरुआती 3 दिनों में मीडिया से बात करने नहीं दिया गया तो घटना के दिन क्यों बात करने दिया। नवा सवाल, हॉस्पिटल ले जाए जाने की जानकारी किन किन उच्च अधिकारियों को थी। दसवां सवाल, अतीक अशरफ और 21 पुलिसकर्मी 2 जीप पर कैसे बैठाए गए। ग्यारहवां सवाल, मीडिया कर्मियों से पूछा गया कि क्या उन्हें घटनास्थल पर कुछ संदिग्ध लोग नजर आए थे। ये 11 सवाल है और इन्हीं 11 सवालों के जवाब तलाश रही है न्यायिक जांच आयोग की टीम। प्रयागराज में ठहरी हुई है, 3 सदस्यों की ये टीम है और ये सवाल पूछे जाएंगे पुलिसकर्मियों से। कानपुर में आज भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है और इसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ मंच पर भाजपा के बड़े पदाधिकारी और मंत्री शामिल हो रहे हैं। यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण, राकेश सचान, अजीत पाल और सभी सांसद के साथ साथ सभी विधायक भी वहां पर मौजूद हैं। बैठक के दौरान पार्टी की मजबूती से लेकर प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों को लेकर प्लान बन रहे हैं। देखिए बैठक के दौरान की तस्वीरें। भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक आज हो रही है और आपको तस्वीर दिखाएं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंच चुके हैं भूपेंद्र चौधरी, उनके साथ मंच पर क्षेत्रीय अध्यक्ष कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र प्रकाश पाल मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान हैं, श्री विष्णु एमएलसी हैं, विजय बहादुर पाठक हैं एमएलसी और प्रियंका रावत जो महामंत्री हैं वो हैं, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति हैं, कमलावती सिंह हैं और कोरी, ये तमाम लोग हैं। लेकिन अन्य जो विधायक और मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में अजीत पाल हैं, महेश त्रिवेदी बैठे हैं, अकबरपुर से सांसद हैं देवेंद्र सिंह भोले, अश्विन मैथानी हैं, असीम अरुण उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, अरुण पाठक हैं उनके बगल में, कानपुर के जिलाध्यक्ष हैं रणवीर सिंह, रणवीर सिंह मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में रहे हैं और तमाम ये पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, जो तमाम विधायक हैं सांसद हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। और मकसद है, 9 साल पूर्ण हो रहे हैं योगी मोदी सरकार के, 9 साल पूर्ण हो रहे हैं और उसके बाद जो बड़ी चुनौती लोकसभा 2024 की है, 2024 की है उसको उससे निपटना है और बड़े जो पदाधिकारी हैं क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के विधायक हैं वो मौजूद हैं, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के ही जो सांसद हैं वो मौजूद हैं, राज्यसभा सांसद मौजूद हैं और तमाम ये क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं। इन सभी पर बड़ी जिम्मेदारी है 2024 के लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है और मुद्दा है 80 में से 80 सीटें जीतने का। और आज 9 साल पूर्ण होने पर मोदी सरकार के जो कार्यक्रम होने हैं 1 साल 1 महीने में 30 मई से और 30 जून के,
उसकी रूपरेखा आज खींची जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम बड़े पदाधिकारी आज बैठ चुके हैं मंच पर और बड़े सत्र का आयोजन किया गया। 3 सत्रों में सभी पदाधिकारियों को यह बताया जाएगा कि कैसे मोदी सरकार की योजनाओं को जन जन तक ले जाना होगा और बताना होगा कि पिछले 9 सालों में आखिरकार देश में क्या किया गया है और उसके बाद 2024 की जो तैयारियां हैं उनको और धार देंगे। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। यूपी में निकाय चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत के बाद भाजपा के नेता गदगद हैं और यही वजह है कि भाजपा नेताओं ने अभी से तय कर लिया है कि 2024 के चुनाव में भी भाजपा अपना परचम लहराएगी। कानपुर में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने कहा कि भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहती है और 2024 के चुनाव को लेकर हमारा अभियान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रकाश जी, आज बीजेपी की बड़ी बैठक है, एजेंडा क्या है? देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस अवसर पर हम लोग पूरे देश भर में पार्टी समाज के विभिन्न वर्गों में और सभी घरों तक पहुंचकर मोदी सरकार की उपलब्धियां यानी संपर्क से समर्थन एक अभियान, महासंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। इस बैठक में हमारे भारतीय जनता पार्टी के नगरी चुनाव के ऐतिहासिक विजेता, जिन्होंने नगरी चुनाव के सेमीफाइनल में सपा बसपा कांग्रेस को महापौर के चुनाव में सबको 0 पर आउट किया है, वो आ रहे हैं और यहाँ आज बैठक होकर और एक अभियान शुरू होगा जो 30 जून तक चलेगा। इसमें हम सभी के घर घर तक जाएंगे और इसमें हमारी चुनावी रणनीति कि कैसे हम लोकसभा की 80 से 80 सीटें जीतें, जिस तरह महापौर के चुनाव में सभी को 0 पर आउट किया है, हम लोकसभा के चुनाव में भी सारे दलों को सपा बसपा कांग्रेस को 0 पर आउट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर के अपनी तैयारियों को और ज्यादा तेज कर दिया है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं। मंत्रालय बदले जाने के बाद एसपी सिंह बघेल जो कि केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने बयान दिया है, कहा है कि देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की कोशिश है। स्वास्थ्य मंत्रालय में सभी से बातचीत कर बेहतर करने का प्रयास होगा। ये केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का बयान है। कल उनका मंत्रालय बदला गया, उन्हें कानून मंत्रालय से उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय में जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा उन्होंने नए संसद भवन निर्माण होने पर कहा कि रिकॉर्ड समय में बन रहा है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी बधाई के पात्र हैं। हम सब जो वर्तमान सांसद हैं उनको भी नए संसद का उद्घाटन होते और उसमें हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने का उनका प्रयास होगा और ऐसा वो सभी से बातचीत करके करेंगे। सर, अगर बात करें तो कानून मंत्रालय के बाद अब स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, किस तरीके से आगे भूमिका रहेगी? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस अपेक्षा, उम्मीद, आकांक्षाओं को लेकर के यह नई जिम्मेदारी दी है, मैं अपने बड़े मंत्री डॉक्टर मनसुख जी के नेतृत्व में विभाग के सहयोग से, देश भर के पैरामेडिकल स्टाफ, चिकित्सकों की सहयोग से और पूरी ईमानदारी, निष्ठा और से काम करके उन अपेक्षा, उम्मीद और आकांक्षाओं को पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे भी हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सुनील बंसल पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है, उन्हीं को पूरी कार्य योजना तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित तौर से उनका एक बड़ा अनुभव उत्तर प्रदेश को लेकर के है। उनके कार्यकाल में 14 में हमने सरकार बनाई दिल्ली में, 17 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और 19 में लोकसभा के चुनाव गठबंधन के बावजूद जीते और 22 में भी उनके मार्गदर्शन से उनको यूपी का DNA पता है। निश्चित तौर से उनसे हमको बहुत बड़ा मार्गदर्शन। कल बरेली में ब्रज प्रांत की क्षेत्रीय बैठक में उनके हमको मार्गदर्शन मिला और आने वाले 1 महीने की पूरी कार्य योजना को जिस हिसाब से उन्होंने वर्णित किया और समझाया वो काबिले तारीफ था। एक सवाल और, 28 तारीख को संसद भवन की इमारत का उद्घाटन हो रहा है, उस दिन वीर सावरकर की जयंती भी है, कांग्रेस हमेशा से वीर सावरकर पर हमला बोलती हुई आई है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि लोकतंत्र के इस नए मंदिर का उद्घाटन उनके करकमलों द्वारा हो रहा है और हम अपने को भाग्यशाली मान रहे हैं कि उसके सनद के रूप में इस कालखंड में भी मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ और वीर सावरकर निश्चित तौर से जब तक धरती रहेगी
वो राष्ट्रवाद के प्रतीक रहेंगे और उनका बलिदान, उनका त्याग, वर्षों तक पोर्ट ब्लेयर की जेल में उनको, उनके भाई को निरुद्ध करना, उससे हम लोगों को देश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान है। एक आखिरी सवाल है, कर्नाटका में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में सभी नेताओं को आमंत्रित किया जा रहा है, विपक्षी पार्टी की अगर बात करें। उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव को आमंत्रित किया गया लेकिन मायावती को नहीं, किस तरीके से देते हैं 2024 के पहले एक बार फिर से विपक्षी एकता की बात है? ये उनका दृष्टिकोण है लेकिन इससे पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। तो जो जिस विपक्षी एकता की बात हो रही है उस नाव में तमाम छेद हैं और जब सिद्धांतहीन, नीतिविहीन और इस बेमेल विवाह होते हैं तो वो हनीमून नहीं मना पाते हैं। वो जल्दी ऐसा गठबंधन 177 में हुआ था जो 80 तक चला, ऐसा ही एक गठबंधन 89 में हुआ था जो 91 तक चला, ऐसा ही गठबंधन 96 में हुआ था जो 16 महीने 13 महीने 27 महीनों की सरकार आई है, ऐसा ही गठबंधन उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का हुआ था, वो उसकी उम्र भी 16-17 महीने थी, फिर मायावती जी ने गठबंधन किया उसकी उम्र 4 महीने थी। एक कार्यकाल को छोड़ दें तो हमेशा 4 महीने 16 महीने 12 महीने की उनकी सरकार चली है। तो सपा लोकदल का गठबंधन हुआ 2004 में, फिर वो टूटा। तो जब दुश्मन का दुश्मन चाचा चाणक्य ने बहुत साल पहले कहा था कि यदि कोई राजा बहुत शक्तिशाली होगा तो उसके खिलाफ दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुर्लभ ही संधियाँ हुआ करेंगी, ऐसे ही एक दुर्लभ संधि का प्रयास हो रहा है। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए रोहित के साथ अविनाश तिवारी, यूपी गंगा, दिल्ली। फरीदाबाद दंगे की रिपोर्ट पर भाजपा के राज्यसभा सांसद ब्रजलाल का बयान आया है। 1980 ईद के अवसर पर मुरादाबाद में पूर्व नियोजित दंगा हुआ, ये ब्रजलाल जी का बयान है। डीएम और एसएसपी के सामने एडीएम की हत्या कर दी गई थी, ये भी उन्होंने बयान दिया। 1980 के दंगों में पुलिसकर्मी भी मारे गए थे। तुष्टिकरण की राजनीति के तहत आयोग की रिपोर्ट दबा दी गई। सीएम योगी को बधाई, 43 साल बाद रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा, ये बीजेपी के राज्यसभा सांसद ब्रजलाल का बयान है 1980 के मुरादाबाद दंगों पर। ये ट्वीट उन्होंने किया, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर। 1980 ईद के अवसर पर मुरादाबाद में पूर्व नियोजित दंगा हुआ, डीएम और एसएसपी के सामने एडीएम की हत्या कर दी गई। आगे लिखते हैं, पुलिसकर्मी मारे गए परंतु कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति के तहत आयोग की रिपोर्ट, योगी जी को बधाई, 43 साल बाद अब यह रिपोर्ट सार्वजनिक। ये ट्वीट है ब्रजलाल का जो कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, अब सांसद हैं। 13 अगस्त 1980 को ईद के अवसर पर मुरादाबाद में हुए दंगे के संबंध में सक्सेना आयोग की रिपोर्ट को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने उसे सार्वजनिक करने का निर्णय लिया, जिसके लिए हुए बधाई के पात्र हैं। उस दिन ये दंगा कुछ कट्टरपंथियों द्वारा प्रायोजित थी, वो कहा जाता है मुस्लिम लीग के प्रदेश पदाधिकारी ने ये षड्यंत्र किया था और नमाज के दौरान एक अफवाह फैलाई गई कि 200 मीटर दूर पासी और वाल्मीकि बस्ती से सुअर आ गया और नमाज के दौरान घुस गया, उसी से पथराव किए गए और उसमें टारगेट डीपी सिंह ओसी जो एडीएम रैंक के प्रभारी थे उनको डीएमएसपी के सामने खींच करके क्राउड ने पत्थरों ईंटों से कूच करके मार डाला। उन इस पथराव पर किया गया, गल शहीद चौकी में आग लगा दी गई, राइफलें लूट ली गईं और जो पुलिस के जवान थे उनको उसमें जला दिया गया। दंगा चलता रहा, 4 महीने तक चलता रहा और इसको रंग दिया गया कि साहब इसके लिए पीएसी दोषी है। आइए आगे बढ़ते हैं, जौनपुर से बड़ी अपडेट है। पीडब्ल्यूडी विभाग की बड़ी लापरवाही की खबर आ रही है। सड़क बनने के बाद कुछ ही घंटों में यह सड़क उखड़ गई है। करीब 3 किलोमीटर तक बनी सड़क उखड़ने लगी है। रामदयालगंज से कैलावर गांव तक ये सड़क बनी हुई थी। कल पूरा हुआ था सड़क निर्माण का कार्य और कल ही जिलाधिकारी और एक्सीएल से इस बात की शिकायत की गई थी। शिकायत करने के बाद भी वहां पर अधिकारी नहीं पहुंचे, ये बड़ी खबर। करीब 3 किलोमीटर तक बनी सड़क उखड़ने लगी, तस्वीरें देख लीजिए। कल ही सड़क के निर्माण का काम पूरा हुआ था, कल ही जिलाधिकारी और एक्सीएल से इस बात की शिकायत की गई थी, उसके बाद भी अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचे। ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की बड़ी लापरवाही की खबर।
सड़क बनने के बाद कुछ ही घंटों में ये सड़क उखड़ गई। पीडब्ल्यूडी विभाग की आप लापरवाही देखिए, बड़ी लापरवाही देखिए जौनपुर में। डीएम और एक्सीएन को खबर की गई, कोई अधिकारी यहां पर नहीं पहुंचा। 24 घंटे हुए थे इस सड़क को और आप देखिए जरा कैसे इस सड़क उखड़ रही। ये निर्माण की गुणवत्ता है। जौनपुर से खबर है, पीडब्ल्यूडी विभाग की बड़ी लापरवाही आप देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ से खबर है, कल खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। पंच प्यारे की अगुवाई में पहला जत्था रवाना हुआ है। बैंड की मधुर धुन के साथ ये जत्था रवाना हुआ है। गोविंद घाट से घाघरिया के लिए ये जत्था रवाना हुआ है। कल घाघरिया से हेमकुंड साहिब रवाना होगा ये जत्था और अगुवाई कर रहे हैं पंच प्यारे। कल हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे। सिख धर्म का ये पवित्र धर्म स्थल हेमकुंड साहिब काफी ऊंचाई पर, कल इसके कपाट खुलेंगे और इस बार घोड़े खच्चर नहीं चलेंगे, ये खास बात है। यात्रियों की संख्या भी सीमित रखी जाएगी। गोविंद घाट से घाघरिया के लिए रवाना हुआ है जत्था पंच प्यारे की अगुवाई में, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। बैंड की धुन, मधुर धुन के बीच में इसे रवाना किया गया। कल घाघरिया से ये हेमकुंड साहिब के लिए रवाना। देखिए गुरबानी के बीच में ऐसे क्योंकि जितनी साढ़े को कार्यक्रम हो रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।